हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़बरदस्त वाला जूस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे पीकर जो है एकदम शरीर में ताकत स्फूर्ति आ जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सब्जा की सीड। इसको हम जो है भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर सब्जा सीड ले लिए हैं और इसको पानी में इस तरह से भिगो देंगे। ये अच्छे से फूल के सेट हो जाएंगे। सब्जा सीड जो होते हैं फ्रेंड, वो गर्मियों में बहुत ही अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं और वेट लॉस में तो ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और इसकी तासीर जो है वो एकदम ठंडी होती हैं। तो इसे आप जो है दिन में 1 बार 1 चम्मच ज़रूर ले सकते हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं देता है। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बड़ा तरबूज। तरबूज भी फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दिन में आप जो है 1 कटोरी तरबूज ज़रूर खाएं, ये बहुत ही फ़ायदा देता है। और इस ये जो है गर्म होता है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, इसको हम अभी इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, तरबूज जो है बहुत ही अच्छा और एकदम रेड पका हुआ और काफ़ी मीठा है ये। तो इसको कट करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाफ तरबूज ले लिया है और इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहते तो बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी बीज है मैं उनको बाहर नहीं निकालूंगी। ये रेसिपी फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों में तो बेस्ट है ये रेसिपी। और अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये ड्रिंक जो है बेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। दिन में अगर एक बार भी आप 1 गिलास का जूस ले लेते हैं तो काफ़ी जो है ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो देखिए, यहाँ पर पूरे तरबूज को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इसके जो भी बीज है वो मैंने बाहर नहीं निकाले हैं। तो थोड़े से मैं यहाँ पर कटोरी में अलग निकाल लूँगी, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। और बाकी बचे हुए तरबूज को हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। और देखिए, इसके छिलके जो बच गए हैं इसका हम बहुत ही अच्छा सा यूज़ करेंगे। पहले ही मेरे चैनल पर मैंने दे रखा है कि तरबूज के छिलकों का हम कैसा यूज़ करें। और जो बाकी बचा है तरबूज उसको भी हम साइड में रख देंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 1 हफ्ते तक आराम से आप इसको चला सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी का जार। तरबूज के टुकड़ों को इसके अंदर डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। एक बार में जितना है उतना ही डालें। तो देखिए, यहाँ पर मेरा पूरा आ गया है। तो पूरा डालकर बिना पानी डाले हम इसका जूस बनाएंगे। तो देखिए, पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये देखिए, इस तरह से इसका पेस्ट बन चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो बारीक बारीक टुकड़े हैं वो साइड में रह जाएंगे। तो इसको छानना भी बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी आपको बड़ी छन्नी लेनी है और इस तरह से आपका जूस जो है वो निकल के आ जाएगा। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है 1 कटोरी चीनी और यहाँ पर 1 बर्तन ले लिया है, इसके अंदर चीनी को डाल देंगे। अभी हम बना रहे हैं शुगर सिरप। और देखिए, 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है पानी, मेजरमेंट का फ्रेंड अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए, 1 कटोरी वाला पानी इसके अंदर डाल देंगे और गैस पर रखेंगे। धीमी आंच पर हम चीनी को घुलने तक अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए, पकते हुए इसे 2 मिनट हो चुके हैं और चीनी हमारी जो है यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है। अभी हम इसके अंदर उबाल आने देंगे। तो देखिए, उबाल आ चुका है, 1 से 2 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। हमें इसे कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसका जो है शुगर सिरप बनाना है, चिपचिपा सा जो है रहना चाहिए। तो ये देखिए, अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच गुलाब जल डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फूड कलर, इससे जो है काफ़ी अच्छा कलर आएगा। ये सब ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको जो है हम ठंडा होने देंगे। तो शुगर सिरप देखिए हमारा यहाँ पर एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है और सब्जा सीड भी आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गया है और जूस जो हमने फ्रिज में रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये जो तरबूज के टुकड़े हमने बचा के रखे थे, इसमें से जो बीज थे वो हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 गिलास, इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सब्जा सीड और थोड़े से मैंने यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दिया है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर तरबूज का जूस। फ्रेंड्स, ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से देखिए, मैंने कटे हुए फिर से डाल दिए हैं तरबूज के टुकड़े और थोड़े से यहाँ पर सब्जा सीड और ऊपर से थोड़ा सा जो है शुगर सिरप डालकर जूस हमारा बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा, टेस्टी, हेल्दी,
इसे आप दिन में जो है एक बार ज़रूर पिए। अभी मैं आपके साथ में एक और जूस शेयर करूँगी जिसे हम बिना शुगर सिरप के बनाएंगे। तो इस जूस को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, ऊपर से डालेंगे सब्जा सीड, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद में डालेंगे यहाँ पर तरबूज का ठंडा ठंडा जूस। ये रेसिपी फ्रेंड उन लोगों के लिए हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं। अभी हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले, तो यहाँ पर काला नमक और चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से कटे हुए टुकड़े डाल देंगे तरबूज के, उसके बाद में फिर से सब्जा सीड डाल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, दूसरा जूस भी जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। दोनों जूस भी जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये जो है एक मैंने शुगर सिरप से बनाया है और दूसरा जो है मैंने कुछ मसालों से बनाया है। मेरा पर्सनली जो है काला नमक और चाट मसाले वाला फेवरेट है, मैं हर बार जो है इसी तरह से पीती हूँ। और ये सेकंड जो आप देख रहे हैं वो है मेरी बेटी के लिए जो थोड़ा सा मीठा पीती हैं। तो गर्मियों में फ्रेंड आप भी जो है इस तरह से जूस बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जूस पीने के बाद हम जा रहे हैं फ्रेंड्स आप फिर से भजन में। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आ चुके हैं और रात के करीब जो है यहाँ पर 11 बजे का टाइम हो रहा है और पब्लिक आप देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक जो है यहाँ पर आ चुकी हैं, हज़ारों नहीं फ्रेंड्स लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर पब्लिक आई है। इतना बड़ा ये जो हॉल बना हुआ है पूरा यहाँ पर भर चुका है और इससे कहीं ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा जो है पब्लिक बाहर बैठी हैं। इतनी पब्लिक देख के फ्रेंड्स मैं तो हैरान रह गई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और पूरी रात हमने यहाँ पर जो है भजन जागरण किया है, खूब मज़ा आया है। छोटे बच्चों से लगाकर बड़े बुजुर्ग जो हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और सभी को जो है काफ़ी मज़ा आ गया था। तो फ्रेंड वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी जो है यहाँ पर एंजॉय और मज़ा आ सके। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, जोर से श्री राम सीताराम, 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 श्री राम। एडो अवसर बहुत वर्षों के बाद में आयो, आप मौका आयो जो सुखजो नदी हवा नाम लो रहा कालो भरे भरे नाम ले लो। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम, श्री राम सीताराम, श्री राम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। देखिए
भक्त के भाव कैसे, जब गुरुदेव का पदार्पण हुआ, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ तो भाव कैसे। जड़ गंगा को मुक्ति माया निर्मल पावन निर्मल हो गई काया थोड़ा थोड़े लाबंदियों में, लेकिन बाप जी के आदेश को हम टाल नहीं सकते। और यदि आप लोगों ने इस आदेश को नहीं टाला तो जीवन भर और मरने के बाद ये काम आने वाली चीज है। दोनों हाथों को उठाए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये जय रघुवंदन जय सियाराम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे।